पाली में पुलिस बनकर लोगों के साथ लूट और ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पर्दाफाश करने को लेकर पाली पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने प्रेस वार्ता ली, जिसमें मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि 3 आरोपी जो पुलिस बनकर लोगों के साथ लूट व ठगी की वारदातें करते थे। जाट ने यह भी बताया कि आरोपी के पास फोन में वायरलेस जैसी रिंगटोन उपयोग करते थे ताकि लोगों को वास्तव में ये लगे कि पुलिस है, और करीब 40 से भी ज़्यादा राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों में वारदात करने को आरोपियों ने कबूला है। तीनों आरोपी दिल्ली के अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं और पाली के रानी, फालना व ब्यावर सहित एक दिन में 4-4 वारदातें करते थे। हाँ सर, 14 मई को रानी थाना क्षेत्र के अंदर, नाडोल के अंदर, वो सोमेश्वर के अंदर फर्जी पुलिसकर्मी बनकर के और महिलाओं के साथ में जो ठगी की वारदात की गई थी उसका आज पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इसमें वसीम, अंकित और नाजिम जो हाल ही में दिल्ली में रहते हैं, इनमें से जो यूपी के रहने वाले हैं, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये 14 मई को दिन के अंदर एक होंडा सिटी कार के अंदर बैठ करके और नाडोल के अंदर एक महिला और उसके पति को लिफ्ट दे करके ठगी की वारदात की थी, और उसके बाद में सोमेश्वर के अंदर इन्होंने एक वारदात की थी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने तुरंत जो गाड़ी नंबर के आधार पे किशनगढ़ जहाँ लोकेशन आई, तो वहाँ से टीम भेज करके पूछताछ की। फिर उसके बाद में जो गाड़ी नंबर के आधार पे जो चित्तौड़गढ़ का जो वाहन ओनर था उससे पूछताछ की, तो उसके पास में उसकी गाड़ी थी, और ये जो ठगी की वारदात करने वाले फर्जी पुलिसकर्मी थे, इन्होंने जो वाहन की जो नंबर प्लेट है वो गलत तरीके से लगाई हुई थी। इसके बाद में पुलिस ने जो टोल है के वहाँ से सीसीटीवी फुटेज और जो नाडोल, सोमेश्वर और इस रूट के जितने भी जगह थे जहाँ सीसीटीवी थे, उनका गहनता से विश्लेषण किया और अन्य तकनीकी विश्लेषण करते हुए इन तीनों जो मुलजिम हैं इनको आइडेंटिफाई किया। और उसके बाद में जो कन्नौज यूपी है वहाँ से इनको डिटेन करके और कल रात को इनको अरेस्ट किया। इनका जो तरीका ये वारदात है कि इनकी गाड़ी के अंदर एक मोबाइल रहता है जिसके अंदर इन्होंने एक रिंगटोन जो है वो डाउनलोड कर रखी है, जो जिससे ये लगता है कि पुलिस के जो वायरलेस सेट है उसकी तरह वहाँ पे कंटिन्यू मैसेज आते रहते हैं, जिससे सामने वालों को ये कहते हैं कि किसी तरह का आगे कोई लूट की वारदात है, हम उसको ढूंढ रहे हैं। फिर दूसरी रिंगटोन ये इस तरह से सुनाते हैं कि हाँ, मुलजिम को पकड़ लिया गया है, आप जल्दी से आइए, इस मुलजिम से पूछताछ करनी है। तो इस दरमियान ये इनके जो गहने उतरवा करके जो लिफाफा में रखे हुए होते हैं वो लिफाफा चेंज कर देते हैं। पुलिस ने जो रानी SHO है और हमारी साइबर टीम है, उन्होंने मेहनत करके इनको दस्तयाब किया है। इन्होंने राजस्थान के अंदर MP और UP के अंदर कुल 40 वारदातें हैं वो कबूल की है, और जिस दिन हमारे यहाँ पाली में घटना हुई थी उसी दिन से एक दिन पहले इन्होंने चित्तौड़ में एक वारदात की, और हमारे यहाँ वारदात के बाद में अगले दिन इन्होंने अजमेर के ब्यावर में एक वारदात की। इसके अलावा इनका जो ज़्यादातर वारदातें हैं वो सिकर है, टोंक है, बूंदी है और दौसा है, यहाँ के भी वारदातें हैं, सभी जगह पर मैसेज करवा दिए गए हैं और वहाँ से इनकी डिटेल है वो जुटाई जा रही है। नहीं, ये सिविल में रहते थे और अभी इनको अरेस्ट किया है, अभी PC रिमांड लेकर के और इनसे अभी बरामदगी की जाएगी।